हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता कुकिंग चैनल। और मैं हूँ सुष्मिता। आज हम बनाने वाले मैंगो सूजी केक, और ये बहुत ही हेल्दी है। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए और भी हेल्दी होता है। और इसके अंदर हमने आम का भी यूज़ किया है। बच्चे अक्सर फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को फ्रूट खिला सकते हैं और बहुत ही आसानी से वो खा भी जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी भी होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग जार ले लेना है, और उसके अंदर हम डाल देंगे एक कप सूजी। आप अगर इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक कप सूजी का यूज़ किया है, उसे डाल देंगे मिक्सिंग जार में। साथ में हम इसके अंदर चीनी भी डालेंगे। चीनी का मात्रा हम उस हिसाब से देंगे, क्योंकि आम भी मीठा होता है। आम डालने के बाद चीनी को हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप, और आम को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आम का प्यूरी बना लिया है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध पहले हमें आधा कप डालना है। यहाँ पे मैंने टोटल एक कप दूध लिया है। पहले हम आधा कप डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि अच्छे से सारा चीज मिक्स हो जाए। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया है। अब हम इसके अंदर और थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि सूजी है, सूजी फूल जाता है, तो फूल की और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर हमें और थोड़ा सा दूध डाल देना है। साथ में हम 2 से 3 चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर व्हाइट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हम फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। इसे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है। और इसे एक बार आप चेक कर लीजिए, देखिए इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम एक मोल्ड ले लेंगे, और उसके अंदर हमें ऑयल या फिर बटर, आप जो भी हो उसे ब्रश कर लीजिए अच्छे से। ब्रश करने के बाद हमें इसके अंदर एक चम्मच मैदा डाल देना है, और मैदा डाल के इसे हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। ऐसा करने से केक नीचे से चिपकेगा नहीं, और इसे हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा देना है। और जितना एक्सेस मैदा रहेगा उसे हमें निकाल लेना है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो उसे भी आप लगा सकती हैं इसके अंदर, इससे केक भी बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे और हमारा मिक्सचर ले लेंगे। देखिए 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हमें इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, और बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हमें दूध डाल देना है। आप अपने कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध मिलाइए। डाल के हमें एक बार ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से है। इसे हमें ज़्यादा पतला एकदम नहीं करना है। अब हम मोल्ड ले लेंगे और उसके अंदर इसे पोर कर देंगे धीरे धीरे। इसे डालने के बाद हमें इसे अब बेक कर लेना है, और इसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है, और उसके अंदर मैंने नमक डाल के 10 मिनट के लिए पहले से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड रख के केक को बिठा देंगे धीरे धीरे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर मैं काजू और चेरी के साथ गार्निश कर रही हूँ। चारों तरफ से हमें एक एक करके काजू का पीस डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। काजू डालने के बाद इसके अंदर हम एक चेरी रख देंगे, इससे ये दिखने में और भी सुंदर हो जाएगा। और इसे हम कवर कर देंगे 40 मिनट के लिए। इसे हमें बेक करने लेना है, और इसके बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। 40 मिनट हो गया है, अब हम इसका कवर हटा लेंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से पका है कि नहीं। चेक करने के लिए हम एक टूथपिक का यूज़ करेंगे और इसे अंदर डाल देंगे। आपके पास अगर नहीं हो तो आप नाइफ भी डाल सकते हैं। तो केक हमारा रेडी हो चुका है, और मैंने इसे निकाल लिया है, और इसके चारों तरफ से हम थोड़ा सा नाइफ को चला देंगे, ताकि अच्छे से बाहर आ जाए। और इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सॉफ्ट बना है, और बहुत ही टेस्टी खाने में होता है। इसे आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें, और ट्राई करके मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आया तो रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए। अभी के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।